बाद में या नहीं जानती अब मेरी बहन देख। आपको हम मदद करने के लिए नहीं बोले थे, हमको हम आपको कर्ज दे रहे हैं, आपके पास जब हो ना तब लौटा देना। दालचीनी का भाव पता हो तुम्हें क्या है? प्लेट हो गई। मैं आपको इतनी मुश्किल में कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी, वरना मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, भाड़ में गई जो तो था। पढ़ाई छोड़ेगी मैं मर जाऊंगा जाके। भैया आप गई? मेरे बहुत अच्छे, मैं आपको ऐसे अकेले किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी? मैं क्या तो हां जी, स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश है, भैया का नाम गोपी है। सुबह से कॉल कर रहे थे तो कल सुबह में कॉल किए थे, आज सुबह मैंने खुद से कॉल किया और बुलाए इनको। क्या बात है गोपी भाई, तो क्या दिक्कत हुआ आपको? अब हम क्या बताएं आपको, उस बार में तो आपने जो तकलीफें सुनी थी हमारी, वो तो पूरी सुनी नहीं थी, क्योंकि हम बता भी नहीं पाए थे जो हमारे साथ में हुआ है, हम किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, हम किस हाल में हैं। थोड़ा सा लाउड बोलिए आप, ठीक है ना, कि हर चीज रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मान लीजिए हमको ऐसी हो गई है भैया, क्या बताएं तुम्हें, बीमारी से इंसान का पूरा शरीर ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो आवाज़ ख़त्म हुई है, इसीलिए आवाज़ भी इतनी हल्की हो गई है। अब जो कहानी हमारी हुई है, हम चाहते हैं नहीं बताएं, लेकिन तुम्हें विश्वास करके हम बताना चाह रहे हैं। देखिए हमें मत बताइए, अब जिसके लिए आए हैं, जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए, जिनको आप अपना असलियत बताना चाहते हैं, जिसके लिए आप कैमरे लगवाए हैं, उनको बताइए। हम तो जानते हैं, हमें बताने से क्या फ़ायदा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो बोले हैं आपकी आप भी नहीं जानते हो, वो चीज़ पहले बताइए, क्या बात है जो हमको भी पता नहीं है। बात यह है कि हमारे घर में ज़्यादा बड़ी तो फैमिली थी नहीं हमारी, एक मैं था, एक ये मेरी बहन थी, और मेरे दो पापा मम्मी थे, और जो टीचर थे ये दोनों ही। अच्छा, दोनों टीचर? हाँ, दोनों टीचर थे ये। एक दिन पता ही नहीं, भगवान को जो होगा, जो चाहता है वो ही होता है, खाना उना खा के घर से निकले, मैं अपने ड्यूटी पे था और मेरी बहन जो पढ़ाई में थी, घर पे पढ़ाई कर रही थी, वो रात में ट्यूशन जो होता है, पापा मम्मी गए होंगे, उनका तो डेली वॉक पे जाना था, रात में टहल के आते थे, तो एक जा रहे थे रोड पे, चल रहे थे, पीछे से कोई दारू की जो सप्लाई होती है गाड़ी, वो आ रहा होगा, उनने काफ़ी पी रखी थी, उसने टक्कर मार दी, और जो हमारे पापा मम्मी थे बहुत ऊँची चमका के गिरे रोड। हुआ नहीं ना उनके साथ? कम से कम 3 महीने बीमार रहे, बहुत इलाज चला उनका, जितनी हमारी दौलत सौरत थी सारी इलाज में चली गई, उनका इलाज कराया, इतना कर्जा कहाँ से लेके आते, इतने मीडियम फैमिली से थे, इतनी उनकी भी सैलरी नहीं थी, जितने का 1 लाख रुपए का डेली का खर्चा था, तो इसीलिए जो भी मकान उकान थे वो बेचे हमने अपने एक दो। अब बीच में लोग फ़ोन करके डिस्टर्ब करते थे। एक बात बताओ भैया, आपके जब मम्मी पापा मरे, देखिए जाना तो सबको है, भगवान बस अपने ऊपर नहीं लेते हैं, मेरे मम्मी पापा भी मर गए, मेरे पापा छत पर से गिर के डेथ हो गए, मेरे माँ को फारलिस मार दिए तो डेथ हो गए, तो कोई बात नहीं है, वो तो डेथ हो गई। अब तो अपना स्टोरी बताएं कैसा सा मेरे फैमिली का सब, देखिए आपको भी एक दिन जाना है, हमें भी एक दिन जाना है, लेकिन अभी जो बचा हुआ है, जो आपका भी परिवार है, उनके साथ तो अब खुश रही है, दिक्कत क्या हुआ है अभी? अब क्या दिक्कत बता, अब हमारी बहन है यहाँ से छोड़ के जाने ही कह रही है। क्यों, कहाँ जा रही है? जो कह रही है, जो दुकान की बात हुई थी, हमने सोचा था दुकान ली में करने ही कह रही थी, लेकिन अब वो कह रही कानपुर में दुकान करने ही, कह रही है वहाँ चलो मेरे साथ में। माने क्यों, क्यों अब कानपुर बोल रही है जाने के लिए? जो कह रही है वहाँ पे सब लोग हैं, मैंने उससे कहा कौन है वहाँ पे, कौन अब नहीं चाह सकता, वो कोई है अपना, कोई भी नहीं, अनजान लोग हैं, अनजान शहर। आप बोले थे कि वो IAS की तैयारी कर रही है, कोई यहाँ पे उसका पढ़ाई खत्म हो गया होगा? पढ़ाई ख़त्म हो गया। अच्छा, आगे की पढ़ाई वहाँ पढ़ने के लिए जा रही है? वहाँ जाने ही कह रही है, तो वो ये कह रही है वहाँ, यहाँ अकेले तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा मैं अपना ख्याल तो खुद रख सकता हूँ। देखो भाई, वो भी सही कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है, ठीक है ना, मान लो यहाँ का आपको उसका सपने के लिए ना आप कर रहे हो, वो अपने सपने के लिए जब इतना मेहनत कर रही थी, आपको भी तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए ना। उसका जो पढ़ाई था ना, IAS के लिए आदमी को एक जगह नहीं पढ़ना पड़ता है, जो यहाँ उसका कोर्स था वो ख़त्म हो गया है,
बाकी के कोर्स के लिए वो कानपुर जाना चाहती है, तो खुशी खुशी जाओ आप लोग, क्या दिक्कत है वहाँ पे जाने में? अब भैया अनजान लोग नया शहर क्या करेंगे वहाँ जाके, ये बताओ। नई दुकान डालेगी, कैसी दुकानदारी होगी, क्या होगा, कैसे खाना, अब बताओ तुम नए शहर में कैसे जा सकते हैं, ये भी तो है, लेकिन उसको तुम ही समझा सकते हो, मेरे तो समझ में। तू अकेले नहीं जाना चाहती है? अकेले भी मना कर रही है जाने के लिए, अब बोलो उसको अकेले चली जाए, मेरा कहना नहीं मान रही, वो जिद पे अड़ हुई के साथ में लेके चलूँगी, अब बताओ क्या करूँ मैं। एक बार बुलाइए आप उसको, एक बार आप पहले फोर्स कीजिए कि तुम जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ कर लेंगे, रहा पैसे की बात हम बताएंगे, अब बताने की बात हुई तो तुम वहाँ से भी हमको बता सकती हो कि ऐसे ऐसे करना है, तो एक बार आप उसको फोर्स कीजिए कि तुम जाओ बहन, क्योंकि सही में वहाँ जान जगह होगा कौन है कौन नहीं है, तो अच्छा रहेगा एक बार आप अपने से उसको फोर्स कीजिए, उसको मनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो माइक अब रखिए, उसको बुलाइए और उसको समझाइए। A few moments later. हाँ भैया बोलो। यहाँ बैठो पहले तुम, मेरी बात ध्यान खोल के सुनो। देखो मैंने इसलिए बुलाया है कि जो भी हम लोगों को करना है ना वो सारा यही करना है, ठीक है? तो मेरी बात मतलब मान लो, जो मैंने आपको बात बोली थी आप मान गए कानपुर चलने के लिए? नहीं यार मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप यही कर लो, वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ पे कौन है हमारा बताओ, कोई है वहाँ पे, किसके साथ रहेंगे यहाँ पे, किसके साथ रहे यहाँ पे, अपना खुद है तो जैसा भी हिल्ला पानी अपना खा तो पी तो रहे, ये देखो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे जाके क्या करोगे बताओ? आपकी एक दुकान खुलवा देंगे, मैं काम करूंगी और मैं पढ़ाई भी। अरे यार तुम्हारे एक बात समझ में नहीं आता, कैसे करके समझाऊं तुम्हें? तुम कम से कम ये सोचो कि बड़ा भाई ये समझा रहा है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता यार तुम्हारे। दिल्ली की पढ़ाई खत्म हो गई है, मुझे कानपुर जाना पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए। अरे तो तुम जाओ ना, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे ख्याल रख सकता हूँ यार। आप अकेले कैसे कर लोगे अपना? रख सकता हूँ मैं अपना ख्याल, ठीक है? मेरे को ज्यादा समझान मुझे ज्यादा समझा। आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं कैसे छोड़ जाऊंगी आपको? आप मुझे ही उल्टा समझा रहे हो। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ मैं कैसे ख्याल रखने जानता है, सारा मुझे आता है, तू अपने जा रही है तो जा, सही है? और मेरा ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और तुझे पता है मेरी दिमाग ख़राब होता है मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर, और मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, समझ गई? मेरे बहुत अच्छे, मैं आपको ऐसे अकेले किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी? मैं क्या भैया बैठो, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? आप मेरी बात प्यार से समझो, अपन दोनों वहाँ पे करेंगे ना जो करना है। अरे मैं क्या समझूँ तेरी बात, कि बता क्या समझाना चाह रही है तू, वहाँ पे जाके क्या कर लेगी बता? देखो प्यार से सुनो, हाँ हम दोनों चलेंगे, मेरी दिल्ली की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, हाँ ठीक है, कानपुर में अब मेरी आगे की पढ़ाई है, आप चाहते हो ना मैं आपका सपना पूरा करूँ? हाँ सही है, ठीक है, और बता हम दुकान कैसे खोल पाएंगे? क्यों नहीं खोल पाएंगे, हम दोनों कमाएंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, और बता। मैं आपको अकेले थोड़ी छोड़ के जा सकती हूँ? अरे बहन तू ये भी तो सोच के, यहाँ पे मैं हूँ, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, तू वहाँ पे जाई मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगा, ये सोच हो गया तो मैं अपने आप को कैसे? एक बात बता, मैं वहाँ पे लेके चलूँ, मैं तेरे ऊपर बोझ बन के खाऊं वहाँ पे बैठ के, मुझे शर्म नहीं आई, लोग क्या कहेंगे? क्यों बनोगे आप ऐसे, क्यों सोचो? वो भैया थे जो हमारी मदद करेंगे ना, वो खुलवाएंगे हमारी दुकान। देख बहन ऐसे मदद किस किस की मांगेगी तू, ये समाज वाले क्या सोचेंगे कि हेल्प मांग के भीख मांग के ये लोग अपना पाला कर रहे हैं, उन लोगों की नजरों में हमारी क्या इज्जत रहेगी? मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, हमें अपने से मतलब है। अच्छा एक काम कर, वो जो भैया है वो बताएंगे क्या करना है, जो वो कहेंगे मैं उन्हीं के उस पर। देख मेरा जो सपना था तेरा था, मैं ये चाहता था कि तू पढ़ाई कर ले सब कुछ कर ले, मेरा यही सपना था, अब वो तेरा सपना हो गया पूरा, अब जो अब तू बता क्या करना है? भैया आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा सपना आपसे ही शुरू हो रहा, आपसे ही खत्म है, आपको कुछ हो गया फिर मेरा क्या होगा? अरे तेरा सपना पूरा हो गया, अब तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तू जा, अब तू क्यों परेशान हो रही है? मैं तो देख सकता हूँ अपना ख्याल, आपने मेरी इतनी मदद करी, इतना मेरा सपना मुझे आखिरी तक पहुँचाया, अब मैं आपको अकेला छोड़ दूँ? इसमें क्या अकेला छोड़ना है? मैं आपको कोई अकेला छोड़ना नहीं है इसमें, ना कुछ अकेला छोड़ना नहीं है। तू जा मेरी बहन, ख्याल रख सकती है तू, अब इस लायक हो गई है,
और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तेरा सपना हो गया पूरा, कंप्लीट हो गया। अब तू वहाँ पे जाके पढ़ाई, मुश्किल में कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी, वरना मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, भाड़ में गई जो तू पढ़ाई छोड़ेगी मैं मर जाऊंगा जाके, मैं बता रहा हूँ। देख मेरे साथ चलोगे? क्या करूंगा मैं तेरे साथ जाके बता, वहाँ काम करेंगे क्या? कैसे समझाऊं मैं तुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ समझा के तुझे, कैसे समझाऊं? वो एक ही बात लौट फेर के, इसमें कोई बात में बात है? मुझे एक ही बात बार बार बुलवा रहे हो, नहीं आप मेरे साथ ही चलोगे? अब मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इससे आगे नहीं बोल सकता, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान ले। देख मैं इससे आगे नहीं समझा सकता तुझे, मेरे जितने बस में थी मैंने समझा दिया तुझे, सही है? आप नहीं समझ रहे हो, साथ में नहीं शांति। अब मेरी बहन देख, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान, मैं नहीं जा सकता, मेरा जो सपना था वो देख सारा सपना पूरा हो चुका है, मुझे पढ़ाई करवानी थी, तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, मेरी बहन तू बस चली जा ना, देख बस मेरा एक सपना है, मेरा कहना मान ले, तू यहाँ से देख चली जा और मुझे छोड़ दे, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैं देख ना ना तू चली जा, देख बड़े भाई हो आप समझो ना, तू चली जा, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि तू यहाँ अपने अकेले जा, आराम से कंप्लीट कर। दोनों की टिकट मैं कैंसिल करवा रही हूँ, बात खत्म, नहीं करनी मुझे अब कोई भी पढ़ाई, आप यही चाहते हो ना बस? ए भगवान क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करवा रही हूँ अपन दोनों की, नहीं रहना मुझे अब कहीं पे भी, ना कोई पढ़ाई करनी, ना कोई आईएएस बनना, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाड़ में जाए, क्या आज कैसी उल्टी बातें करे जा रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो, चलो मेरे साथ। क्या करूंगा जाके वहाँ पे, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि वहाँ पे कितनी कमाई होगी तुम्हारी, जो खर्चा देख रहे हो कितना, आज के टाइम के क्या खर्चा है, चीनी दाल चीनी का भाव पता हो तुम्हें क्या है? वहाँ पे हमारा मकान है हमारा, कुछ नहीं है वहाँ पे, किसके पास रहोगे जाके, कौन सा रिश्तेदार है हमारा, ये सोचा कभी तुमने? मैं तो थक गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बुला रहा प्रकाश भैया को, सही है? कांग हाँ प्रकाश भैया इधर आओ, समझाओ बहन को, आप समझाओ, इसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया। आपने एक बात बोला इसमें, बात भी बोले थे ठीक है ना, कि किसी का एहसान नहीं ले रहे हैं, आपको हम मदद करने के लिए नहीं बोले थे, हमको हम आपको कर्ज दे रहे हैं, आपके पास जब हो ना तब लौटा देना। और रही कानपुर की, इसकी अभी पढ़ाई बाकी है, ते सोच रही है, हम सारी बात इसकी सुने हैं, ये क्या बोल रही है, इसका क्या आपके प्रति क्या सोच है, सब अभी हम सुने हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहती इस परिस्थिति में, तो हम आपको जो पैसे देंगे आप जाके वहाँ पर बिजनेस करो, वहाँ पे मेरा रिलेटिव लोग रहता है, लोग कानपुर में कुछ लोग पढ़ाई करता है लोग, तो वहाँ से हम आपको जान पहचान करा देंगे, वहीं पर जाके आप लोग रहना, कुछ पैसे तो दे देंगे, कर्ज समझ के लीजिएगा, जब आपके पास हो, जब आपकी बहन सेटल हो जाए, जब वो पैसे कमाने लगे तब आप हमको रिटर्न कर दीजिएगा, हमें थोड़े करने का रख लीजिएगा, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, एक दोस्त है, अगर तुम अपना भाई समझते तो भाई समझ के तुमको बस एक हेल्प कर रहे हैं, जो कि तुम नहीं तो कर्ज दे रहे हैं, जब तुम्हारे पास हो तो तुम हमको दे देना, हमको कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग पढ़ो भाई, वो आपको नहीं, आपका जो अभी स्थिति लग रहा है ना आपको, छोड़ दीजिए, कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा आपको, आप दोनों के अलावा कौन है, आप दोनों का कोई है, आप इसके लिए है, ये आपके लिए है, तो बात को समझो ना यार, बात के गहराई में जाओ, क्यों बोल रही है ऐसा डिसीजन क्यों है इसका, आप बोल रहे कि छोड़ के चले जाओ, तुम चले जाओ, वहाँ पे कौन है, कहीं भी कोई नहीं होता, दिल्ली में पहले कोई था आपका, कोई नहीं ना था, कहीं जाना पड़ता है, जान पहचान बनाना पड़ता है, समय लगेगा, कोई भी चीज़ करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, थोड़ा मुश्किल भी आता है, लेकिन उससे लड़ना चाहिए इंसान, यानी कि डर के भागना चाहिए, तो तुम तो डर के भाग रहे हो यार। अच्छा आप बताओ आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं तुम्हारी जो बहन चाह रही है ना तुम वो करो, तुम जो चाह रहे हो मत करो भाई, हमेशा बार बार तो हमको लगा तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये सोच है कि तुम जाओ हम कर लेंगे, तुम्हारा जो स्थिति लग रहा है, तुम अंदर से टूट चुके हो यार, बहुत ज़्यादा बीमार हो आप, करो ना वही आराम वाला काम होगा, दुकान का अपना पड़ेगी, ये वीडियो अगर सरकार के पास भी पहुँचेगा तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि इसको स्कॉलरशिप भी मिला है, मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बच्चिया देश के भविष्य होते हैं जो आगे आगे तक पढ़ना चाहती है, लेकिन आप भाई आप भी उसमें उसका पैर खींच रहे हो, तुम जाओ जाओ वो तो किसके लिए पढ़ेगी यार, तू ही बोल बहन कुछ। भैया आप तो समझ जाओ आप, मैं अकेली, अगर मुझे कल को वहाँ कुछ हो गया तो
मान लो आप भाई हो, इसके साथ साया के साया से साया के पीछे पीछे आप रहोगे, लड़की है कोई लड़का नहीं है, कुछ गलत सही हो जाए इसके साथ तो कौन होगा वहाँ पे नया शहर में इसको देख रेख करने के लिए? आपके पास उतना पैसे भी नहीं कि आप इसको हॉस्टल में रखोगे, और हॉस्टल का भी माहौल आप जानते हो, और अच्छे खासे हॉस्टल में रखोगे तो वहाँ पे अच्छा अमाउंट चाहिए उसको रखने के लिए, जो कि आपके पास है नहीं। सोचो यार एक बार, आपको चलना पड़ेगा ठंड दिमाग से भैया, आप बहुत बीमार हो यार गोपी भाई, ध्यान से सोचो एक बार। ठीक है, जैसा तू कह रही है ना, यहाँ पे आपका अपना घर है ना, उसको किराए पे लगा दो, यहाँ से भी कुछ आपको इनकम होते रहेगा, वहाँ भी अपना एक किराए का मकान लेना, हमसे कुछ मदद ले लेना आप, जब आपके पास हो तो दे देना, जब हो, ये नहीं बोले कि एक साल दो साल पाँच साल दस साल, ये भी नहीं करेंगे 50-55-50-60 लाख हम आपको मदद करेंगे, जितना होगा हमसे उतना करेंगे। ठीक है, करते रहेंगे जब जब तक आप लोग अपना सेटल नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन करते रहेंगे। अब जो बता तो खुश है, मैं बहुत खुश हूं अगर आप मेरे साथ चलोगे। अब जो तू कह रही है वो ही होगा, जब बता दिए कब चलना है, पहले मैं डॉक्टर से चेकअप करा के आऊंगा। करा लो, संडे को जाना है, आज कौन सा दिन है? मैं चलूंगा, पहले डॉक्टर ने बोला एक बार आना है, आज आप संडे को जाइएगा ठीक है ना, तभी 2-3-4-5 दिन 6 टाइम है, 4-5 दिन टाइम है ठीक है ना, तब लोग आराम से देख रेख कर लीजिए अपना, अपना जाकर डॉक्टर से दिखा लीजिएगा कि यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ कोई डॉक्टर होगा तो वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत स्थिति आपका ख़राब लग रहा है भैया, भगवान आप लोग आप परीक्षा ले रहे हैं ठीक है ना, तो इसमें आपको पास करना है नहीं कि फेल करना है। धन्यवाद है जो आपने हमारे इतनी हेल्प करी, वरना आज के कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं भैया, ये कोई हेल्प ही नहीं है आपको, हम एक नहीं होता छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई, बड़ा ही होंगे क्या आपसे हम बड़े हैं, बड़ा भाई भी कौन इतनी मदद करता है, आज के बड़ा भाई छोटे भाई से लड़ाई कर रहा है, छोटा भाई उससे लड़ाई कर रहा है, लेकिन आप तो भगवान जैसे रूप में आए जो आपने हमारी इतनी मदद। भैया ऐसा कुछ मत बोलो यार, भैया मैं तो बहुत खुश हूँ जो आप मुझे मिल गए, मेरी इतनी अच्छी बहन है, थैंक यू। ले जाओ भाई को अपना, ध्यान रखो इनका, आप चलोगे ना, आप दोनों इसके बाद से कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों के अंदर अगर कुछ हो रहा है तब एक दूसरे से बात कीजिए, क्लियर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन है, कुछ भी सोचेगी तो आपके भले के लिए सोचेगी ना कि आपके बुरे के लिए, ठीक है? तो आप दोनों आदमी एक दूसरे के बात सुनिए और आगे बढ़िए, बात खत्म। चलिए ठीक है भैया, खुश रहिए आप दोनों ठीक है ना, थैंक यू भैया, थैंक यू आपको भी कि आप जैसे बहन भी आजकल है जो भाई के लिए इतना सोच रही है। चलिए भाई जा भैया।